हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। ये आज मैं मिट्टी बनाना आप लोग को बता रही हूँ। तो ये मेरी सारी पुराने गमले की मिट्टी बनी हुई है, जिसको मैंने छान करके और इसको दोबारा से यूज़ करने लायक बना दिया है। इसको स्टरलाइज भी कर दिया है, धूप लगा दी है अच्छी 3-4 दिन की। इसमें अच्छी नमी भी है अभी, ये देखो कितनी अच्छी नमी भी है। तो अब इसको मिट्टी सर्दियों के फूलों के लिए बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलानी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो पुराने गमलों की मिट्टी है तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं आप लोग भी, तो मेरी तरह से रीयूज़ करें। तो ये मैंने मिट्टी ले ली है, ये इतनी है, कम से कम ये 50 गमलों के में आ जाएगी, इतनी मिट्टी है ये। तो मैं उसके हिसाब से आप लोग को बता रही हूँ। तो ये मेरा 1 किलो का वर्मी कंपोस्ट है, जो कि मेरा घर का बना हुआ है। तो ये सब मैं इसमें मिला दूँगी, और भी मिल सकता है ये, क्योंकि ये देसी खाद है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ज़्यादा मिला दोगे तो इसके अंदर तुम। और ये फंगीसाइड है, फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है पौधों के अंदर, तो ये भी मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी। ये मिट्टी मेरी ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मिला रही हूँ, आप अपने हिसाब से मिला देना। ऐसे मिट्टी बना करके रखने से क्या होता है कि फिर जब पौधे हम लगाते हैं तो फिर तुरंत मिट्टी लेकर के लगा सकते हैं। और ये एप्सम सॉल्ट है, ये एप्सम सॉल्ट है, ये रहा, ये मैंने अमेज़न से मंगाई थी सारी चीज़ें। ये एप्सम सॉल्ट भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत सारी है तो इसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ इन सब में। अभी सर्दी के फूलों के लिए है तो इसमें एक्स्ट्रा ही खाद जाने वाली है। और ये बोन मिल है, इसको भी मैं लगा देने वाली हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो मत डालें आप बोन मिल, लेकिन पसंद की बात नहीं होती है, यहाँ पे पौधों को खाना देने की बात होती है, तो इसलिए मैं इसमें बोन मिल भी डाल देती हूँ। आप मुंह पे मास्क लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ख़राब स्मेल आती है इसकी। और ये कुछ DAP के दाने हैं, इसको भी मैं अपनी मिट्टी में मिला दूँगी, क्योंकि सर्दी के दिन रहेंगे तो ये सब चीज़ें ज़्यादा हीट नहीं पैदा करेगी। गर्मियों में नहीं डालने का, इसको कम डालने का। तो ये कुछ दाने मैंने DAP के डाल दिए हैं, अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको बहुत अच्छे से मिक्स करके और फिर सब गमलों में भरेंगे। तरह से अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि पूरी मिट्टी में खाद अच्छे से मिक्स हो जाए, जो भी डाला है हमने एक तरफ नहीं रह जाए। यह है, और अब ये जो सूखे पत्ते हैं मेरे पास में वो मैं इस गमले के अंदर डाल दूंगी नीचे की तरफ, इससे ड्रेनिंग भी सही रहता है। और नीचे जो ये पत्ते डाल देते हैं तो इससे ये पत्तों की खाद भी बन जाती है। तो मैं सूखे पत्ते कलेक्ट करके रखती हूँ, तो मैं इस तरह से गमले के नीचे के हिस्से में भर देती हूँ। अभी थोड़े दिन बाद ये बिल्कुल नीचे हो जाएंगे, एकदम जम जाएंगे। अच्छा दबा दबा के भर दिया है मैंने इनको। अब इसके ऊपर मैं ये जो मैंने मिट्टी बनाई है ये वाली मिट्टी भर दूँगी, बिल्कुल वेल ड्रेन भुरभुरी मिट्टी है ये। अब इसमें आप किसी भी प्रकार का पौधा लगा सकते हैं सर्दियों का, इवन सब्जियां भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ये मिट्टी मैंने बना दी, और अब इसमें खाद देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लिक्विड खाद दो। अब इसको मैं पूरा भरूँगी, क्योंकि जो पत्ते मैंने डाले हैं पानी डालने के बाद में ये नीचे बैठ जाएंगे, इसलिए मैं इसको पूरा भर देती हूँ।
कुछ टाइम बाद में जब मैं पानी दूंगी तो ये सारी खाद बिल्कुल नीचे चली जाने वाली है, मिट्टी जो है वो। और ये मेरा एक गमला भर करके तैयार है। इसी तरह मैं मेरे सारे गमले भर दूंगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं उम्मीद करती हूँ और इसी मेहनत के साथ मैं आगे भी आप लोगों को मिलती रहूँगी। मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।